ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं उस समय आपको वो, ठीक है। तो पिछली वीडियो में अपने देखा था बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या होते हैं, कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, सिंटैक्स किस तरीके से लगा जाता है प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में अपने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखना चाहते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और सी कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो टाइटल से आप समझ रहे होंगे कि कॉन्स्टेंट, कीवर्ड एंड वेरिएबल को पूरी डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, इनके रूल क्या होते हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, इनको किस वेरिएबल को अपन आइडेंटिफायर भी बोलते हैं और कीवर्ड जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से उसके अंदर कंपाइलर के अंदर डिफाइन रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छी गहराई से समझेंगे, जानेंगे। चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट तो कर ही दोगे, जो भी मन में हो कर देना, ठीक है। शुरू करें, बेसिक हटा दिया है, अब पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड। कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड को पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब सी प्रोग्रामिंग से पहले पहले इंग्लिश लैंग्वेज का बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो किस तरीके से सीखते हैं, सबसे पहले अपन कैरेक्टर सीखते हैं, यानी कि उनका जो एक क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, ए बी सी। जब अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन करते हैं तब उसके बाद वर्ड सीखते हैं, वर्ड का जब कॉम्बिनेशन करते हैं उसके बाद सेंटेंस सीखते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले जो कैरेक्टर होते हैं उनको समझ लेते हैं कि कैरेक्टर क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सी के कैरेक्टर, सी कैरेक्टर क्या होते हैं, अल्फाबेट होता है ए बी सी डी जो आप जानते हैं सारे, डिजिट होते हैं 1 2 3 और वो सब, और जो स्पेशल सिंबल भी इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। स्पेशल सिंबल जैसे क्या हो गया, अंडरस्कोर हो गया, आपका डॉलर का साइन हो गया, एम परसेंट हो गया, ऐसे जो रहते हैं, परसेंट डी हो गया, परसेंट हो गया, मतलब ये सब जो है ना वो इसके अंदर आते हैं, उसके स्पेशल सिंबल के अंदर आते हैं स्पेशल सिंबल। तो भविष्य में अगर आपसे आप कोई पूछे कि सी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं तो बता देना अल्फाबेट है, डिजिट है और स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड में और मोबाइल में अपन देखते हैं ज़्यादातर कि जो एम परसेंट अंडरस्कोर वगैरह होते हैं वो। अब समझ लेते हैं कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर तो है अब कॉन्स्टेंट इनके बारे में क्या क्या होता है, ठीक है ना। फास्ट तो नहीं हो रहा है, आराम से चल रहा है, हो रहा है तो बता देना, थोड़ा बता दिया करो यार कमेंट में कि अगर ये वीडियो के अंदर सर ये चीज़ थोड़ी फास्ट हो गई थी, और नोट करते चलना साथ साथ में कि क्या समझा रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट, दूसरा अपना कौन सा रहता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। और प्राइमरी कॉन्स्टेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक वो होते हैं जो अपन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद डिलीवरी को डिक्लेयर करेंगे ना तब उसको समझेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्टेंट के अंदर आता है सबसे पहला होता है इंट कॉन्स्टेंट, इंट कॉन्स्टेंट। दूसरा आता है रियल कॉन्स्टेंट, इसके अंदर एक होता है और बताऊंगा जब रियल कॉन्स्टेंट बताऊंगा तब, एक और क्या बताने वाला था हाँ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तीन कॉन्स्टेंट होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, और जब ये सब पढ़ाऊंगा ना तब इनको समझाऊंगा कि इसको सेकेंडरी कॉन्स्टेंट क्यों बोला जाता है। एरे स्ट्रिंग अभी बता भी दूंगा तो अब आगे चल के भूल जाएंगे, एरे स्ट्रिंग और कहता स्ट्रक्चर यूनियन इनम शायद नहीं होते, तो अगर कोई एक बात अगर छूट भी रहा है
तो देख लेंगे अपन अगली वीडियो में, बता देंगे अगर कोई छूटा होगा मेरे से तो, ऐसे तो नहीं छूटा होगा। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया कि प्राइमरी कॉन्स्टेंट होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट होते हैं। अब इनको अपन तीनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इन कैरेक्टर और रियल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। इनका अभी अपन जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, अभी जब तक फॉर लूप वाइल लूप नहीं निकल जाएंगे जब तक इनकी कोई जरूरत नहीं आने वाली। फॉर लूप में भी आप एरे की जरूरत आएगी, तो जो क्या बताना है, हाँ इन तीनों का अपन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ तक ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। ठीक है, कर लिया ना, मिटाएं इसको। तो ये समझ गए होंगे, अब समझ लेते हैं क्या होता है कॉन्स्टेंट के बारे में। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्स्टेंट पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर कॉन्स्टेंट के बारे में देख लेते हैं। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इंटीजर कॉन्स्टेंट, तो पानी पीना भी जरूरी है। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, ये समझ में। इंटीजर कॉन्स्टेंट, हाँ सबसे पहले क्या करते हैं, उनको बनाने का रूल दे देते हैं कि जी ये सारी चीजें इसके अंदर होनी ही चाहिए। यार मैं लग गई, रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इंटीरियर कॉन्स्टेंट, इंटीरियर कॉन्स्टेंट। ठीक है, रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इंटीरियर बनाना, सबसे पहले अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट बना रहे हैं इंटीरियर कॉन्स्टेंट, तो कम से कम एक डिजिट तो उसके अंदर होना ही चाहिए। तो पहला रूल, मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, एटलीस्ट वन डिजिट। दूसरा, कि जब आप इंटीजर कॉन्स्टेंट इसको बना रहे हैं, अगर आप इंटीजर कॉन्स्टेंट बना रहे हैं तो उसमें मतलब सीधी सी बात, अगर आप इंटीजर कॉन्स्टेंट बना रहे हैं तो उसमें सीधी सी बात है कि डेसिमल पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट अगर हुआ तो वो इंटीजर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट मस्ट नॉट हैव अ नॉट क्या होता है। अभी जैसे अपन इंटीजर जो की बात करते हैं, इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर आपके आते हैं और प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सारे तो आते ही है इसके अंदर। और कौन से आते हैं, बस जहाँ तक है कुल मिला के अगर अपन की नॉर्मल वे में बात करें तो ये इंटीजर होता है, जीरो भी है, अपना वन भी है, टू भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है। तो ये सारे जो क्या है वो इंटीजर नंबर है। तो जीरो जी कौन सा पॉजिटिव हो गया, जी हो गया नेगेटिव। तो इसको अपन एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि अपना जो इंटीजर है, इंटीजर नंबर, इंट नंबर या फिर इंट कॉन्स्टेंट लिख दो या इंट नंबर लिख दो, जो आपकी इच्छा वो लिख देना, इंट नंबर मे बी जीरो, मे बी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, चाहो तो उसमें ऐसे भी लिख देना, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। एक चौथा पॉइंट कौन कौन सा हो गया, जीरो का ये बता दिया, और कोई डेसिमल पॉइंट तो इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, अगर डेसिमल हो जाएगा तो फिर वो इंटीजर नहीं रह जाएगा। अब क्या होता है कि एक जो ऐसा वेरिएबल, मतलब जो एक ऐसा, ये जो चौथा पॉइंट आने वाला है वो कैसा पॉइंट है कि सी प्रोग्रामिंग के हर जगह को यूज होगा, मतलब जब आप वेरिएबल बनाएंगे तब भी यूज होगा, स्ट्रिंग एरे हर जगह इसका यूज होना है। जो है नो कॉमा और ब्लैंक अलाउ इंटीजर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई भी कॉमा और ब्लैंक ये यहीं पे अलाउ नहीं है। अगर आप वेरिएबल भी बनाएंगे ना तब भी इसमें ये पॉइंट रहेगा, हर जगह ये पॉइंट रहेगा कि कोई भी कॉमा और ब्लैंक जो है इसके अंदर अलाउड नहीं है, किसी भी कॉन्स्टेंट के अंदर अलाउड हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉन्स्टेंट के अंदर ही नहीं, रियल कॉन्स्टेंट बनाऊंगा तब भी नहीं अलाउ होगा,
कैरेक्टर कौन सा बनाएंगे तब भी अलाउ नहीं होगा, और वेरिएबल बनाएंगे तब भी नहीं होगा, डेटा टाइप कहीं भी नहीं होगा, मतलब नो कॉमा और ब्लैंक अलाउड है, नहीं सॉरी नो कोई भी कॉमा और ब्लैंक अलाउड नहीं है उसके अंदर। एक जो पांचवा पॉइंट है ना, ये थोड़ा क्या बोले इसको, मतलब उसके रिगार्डिंग है, क्या बोलते हैं, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होने वाला है कि जो इंटीजर कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो वेरी टू वेरी। जैसे मुझे अभी टर्बो सी की याद आ रही है, टर्बो सी की अगर बात करूँ तो -32768 से लेके -32767 यहाँ तक जाती है, -32768 to -32767 ताकि टर्बो सी की, लेकिन एक कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर यही अगर GCC कंपाइलर होता जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता है वो अगर होता तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी कंपाइलर का जो फंक्शनलिटी है वो उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो मतलब जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है कितना ये स्टोर कर सकता है, तो इनको नोट कर लेना पहले, ठीक है। तो इंटीजर से समझ गए होंगे कि 0, 1, 2, -1 मतलब माइनस पॉजिटिव जैसा भी होते हैं, लेकिन इनके कुछ जरूरी है कि एटलीस्ट बंद होना ही चाहिए, ये मतलब पेपर में लिखने के लिए जरूरी हो जाते हैं, लेकिन समझने के लिए आपने समझ लीजिए ये सारे इंटीजर हैं, और इनमें अगर पॉइंट वगैरह लगा देंगे तो डेसिमल बन जाएंगे, डेसिमल अलाउ होते नहीं है, और कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और कोई भी कॉमा ये थोड़ा जरूरी है, कोई भी कॉमा और ब्लैंक अलाउ नहीं होता। अगर आपने ऐसा किया या तो एरर आ जाएगी या फिर वो दूसरा इंटीजर कॉन्स्टेंट कंसिडर करने लगेगा। जैसे आपने 1 2 लिख दिया तो 1 अलग इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया, 2 अलग इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। ज़्यादा तेज मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा ना, नहीं होना चाहिए, नोट कर लेना इसको, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट तो कुछ हद तक समझ में आया होगा क्या होता है। अभी इंटीजर कॉन्स्टेंट के बाद जो आता है उसका नाम है रियल कॉन्स्टेंट, तो इंटीजर तो मिटा देते हैं। अब आता है रियल कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट तो रियल कॉन्स्टेंट है ही, इसके अंदर एक और पार्ट है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, उसको भी इसी में कवर करेंगे, पहले रियल कॉन्स्टेंट देख लेते हैं। रियल कॉन्स्टेंट, अरे यार क्या होता है लिखने में पता नहीं, ये एकदम से बहुत स्पीड में दिमाग चलता है ना तो बहुत फास्ट फास्ट लिखा जाता है, ठीक है। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, अगर उसके अंदर नहीं था तो इसके अंदर है। रियल वैल्यू क्या होती है, 1.25 हो गया, 2.23 हो गई, और अब इसके अंदर एक चीज का खुला है, 0.00 करेंगे ये रियल वैल्यू है क्या, मतलब 0.00 करेंगे रियल वैल्यू है क्या, है नहीं, ये नहीं है, 0.01 है रियल वैल्यू, क्योंकि इसको तो 0.00 को तो अपन 0 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0, और 0 कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता, 0 के रिस्पेक्ट में जो अपन पॉइंट लगा के करते हैं वो रियल वैल्यू कंसीडर करी जाती है, ठीक है। जैसे 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गई, ठीक है, ये सारी वैल्यू कंसीडर करी जाती हैं उसमें रियल वैल्यू में, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती है, -1.25 भी हो सकता है, -2.23 भी हो सकता है, 2.33 कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के तो इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, अब यहीं से इसको नकार के चलते हैं, समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसके पॉइंट बन जाते हैं। कोई पॉइंट भी अलग से थोड़ी होते हैं, जो अपन लिखते हैं करते हैं काम करते हैं उसी चीज का अपन अपने जो लिखने की भाषा होता है उसमें बता देते हैं, बस इतना सा अंतर होता है इसमें, तो इस चीज को अपन देख कर बना लेते हैं, होंगे भी ये 100% भी ये। अब इसके अंदर क्या अलाउ है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा एक पॉइंट में पिछली इंटीजर कॉन्स्टेंट में लिखना भूल गया था, तो पहले इसमें लिख देता हूँ, इफ यू नॉट असाइन एनी साइन, इफ यू नॉट असाइन एनी साइन देन बाय डिफॉल्ट, देन बाय डिफॉल्ट इट कंसीडर पॉजिटिव। अगर आपने इस वेरिएबल को या वैल्यू को कोई साइन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसीडर करता है, ये यहाँ पे अलाउ है, और इंटीजर कॉन्स्टेंट के अंदर भी ये चीज लागू होती है, ठीक है। चाहो तो उसके अंदर एक पॉइंट बढ़ा के लिख लेना,
नहीं जाओ तो बस समझ लेना कि आप जो अगर आप साइन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। चौथा आसन वही है कि कोई भी कॉमा और ब्लैंक अलाउ नहीं है, नो कॉमा, तो समझ में आ गया होगा कि नो कॉमा और ब्लैंक अलाउ इन रियल टाइम, ठीक है। अब इसकी लिमिट भी कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करती है, देख लेना, डिपेंड ऑन कंपाइलर टू स्टोरेज लिमिट, लिमिट ऑफ रियल कॉन्स्टेंट, ठीक है, रियल कॉन्स्टेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था रियल कॉन्स्टेंट के अंदर ही एक और कॉन्स्टेंट होता है, उसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो इस वक्त को तो आपने नोट कर लेना भी, इसके बाद जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट के ऊपर, ठीक है। नोट कर लिया, आई होप कर लिया होगा, तो मिटा देते हैं फिर इसको। अब शुरू करते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट के अंदर दो चीजें होती है, मेंटिसा और आपका एक्सपोनेंशियल। मेंटिसा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इन दोनों को अभी थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे, यहाँ टाइम नहीं लेंगे और इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। मिटाना नहीं था वैसे, चलो ठीक है मिटा दिया तो कोई बात नहीं। रियल कॉन्स्टेंट के अंदर ही है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल से क्या मतलब है, जैसे 25 × 10⁻¹⁸, 34 × 10⁻¹⁸, 34 × 10⁻¹⁸, 23 × 10⁻³। तो इसको प्रोग्रामिंग में या फिर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं उसमें किस तरीके से देखते हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं, 23 e⁻³, 34 e⁻³, 34 e⁻³, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, जिस रेंज के बीच में अभी बता देंगे, कोई बात नहीं है। तो इसको पहले पढ़ते, इसको समझ लें, इसको आपने पढ़ लिया कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। अब इस पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से इसके रूल क्या है। इसको बोलते हैं मेंटिसा और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे अपन बता लेते हैं, द डिजिट डिजिट बिफोर कम्स ई ई कॉल्ड मेंटिसा। क्या बोलते हैं, मेंटिसा। जो इनके पहले आएगा, जो ई के पहले आएगा, उन डिजिट को क्या बोला जाएगा, मेंटिसा। तो क्वेश्चन जब आपको आता है ना तो आपको ये शायद लिख के ना आए, डायरेक्ट को इंग्लिश में लिख दें कि मेंटिसा इतना है और इसका एक्सपोनेंशियल इतना है। अब आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के अब इसका प्रोग्राम बना के दिखाइए। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट में होगा कि ऐसे जो उनके प्रोग्राम बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे। तो जब अपन वो देखेंगे ना प्रॉब्लम्स इन सी लैंग्वेज, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, प्रॉब्लम्स इन सी लैंग्वेज, प्रॉब्लम्स इन सी लैंग्वेज। तो उसकी जब प्लेलिस्ट बनेगी ना तो उसके अंदर केवल यही नहीं, पैटर्न प्रोग्रामिंग उसके अंदर आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम ही है। और उसके अलावा ये वाले भी आएंगे, उसके अलावा लॉजिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्क्वायर कैसे निकालना होता है, स्क्वायर के जो ट्रिक वाले मेथड होते हैं, कभी कभी उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बता देना ऐसे ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं, इनको कवर कर लो। नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, डायरेक्ट आराम से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, तुरंत तुरंत नहीं हुआ तो एक देर बाद आपकी वीडियो मिल जाएगी। और मैं वो कमेंट, वो बंदे का मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिख के रखता हूँ, इस बंदे ने इस पर कमेंट किया था, उसको पर्टिकुलरली वो वीडियो भेज दूंगा, फिर तो हो जाएगा ना, आपको तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा, साथ में और लोगों को ही मिल जाएगा। तो भाई थोड़ा बहुत लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना सीखो, कमेंट से भी कंट्रीब्यूशन होता है, करो थोड़ा, ठीक है ना। देखो देता, और जो ए वाला पार्ट है ना, द पार्ट विच फॉलो विच फॉलो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट,
है, दो ही इसके अंदर मेन पॉइंट है, बाकी के आपने जो देख लेना कुछ क्या होता है। अभी इसके अंदर बस समझने वाली यही चीज, रेंज रेंज इसकी बता देते हैं, रेंज इसकी कितनी है, रेंज जिसके बीच में ये पूरा जो सब लाई करता है वो कितना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना दिन के बोलते 35, 34, 34, ये इसकी रेंज है, ये मेरे को याद थी इसीलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो रेंज है -34 ई -38 टू 34 ई 30। ठीक है, एक गलती तो नहीं करता, माइनस प्लस शायद यहाँ पे माइनस नहीं है, -34 भी 38 माइनस, हाँ सही है, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, अब क्या रह गया, क्या बताया था मैंने, कैरेक्टर वो लिखा था ना आपने, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, और नहीं लिखा था तो लिख लिया करो यार, कब तक ऐसे काम करोगे। चुप 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 चुप, रेलगाड़ी की तरह ही चलता जा रहा है पूरा सी प्रोग्रामिंग, कुछ ही दिन में अगर इसी प्रोग्रामिंग को जिस हिसाब से लोग खत्म करवाते हैं, अगर मैं 8 या 10 दिन के अंदर खत्म करा दूँ तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम सी प्रोग्रामिंग में जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे उन सभी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज किया जाएगा, उन सबको मिला के, जैसे अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले इंग्लिश सीखने के लिए, अगर वर्ड जो वर्ड को मिला के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं, अभी अपन जैसे मान लो कुछ अल्फाबेट सीख रहे हैं, मतलब सिंटेक्स सीख रहे हैं, किस तरीके से इनको लगाया जाता है, किस तरीके से इनको काम किया जाता है, उनके बाद इन सिंटेक्स को मिला के अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन अभी पूरे सिंटेक्स अभी अभी इसमें तो केवल कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड को ही पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसके अलावा जब वीडियो और आगे पहुँचेगी तब और मजे आएंगे, पढ़ते चलो यार मजा आएगा। हाँ, क्या होने वाला था, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को जाना नहीं है, बस दो चीजें हैं उसके अंदर, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में जो भी कैरेक्टर होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये जो एरो है ना एक लेफ्ट साइड की तरफ ही जाना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से करते हैं तब ये वैलिड है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये नॉन वैलिड कंसिडर किया जाता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं होता, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं होता है, और ए वाला कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कंसिडर किया जाएगा। तो इन्हीं के बेस पे दो पॉइंट बना लेते हैं, सबसे पहला इट मस्ट हैव एनी वैल्यू, अब इसके अंदर कोई ये नहीं है कि ए हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है तो इंटीजर, लेकिन इसको लिखा किस तरीके से दिया है, इसको लेफ्ट साइड के ए किस तरीके से बनाया गया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ए ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के, और इट मस्ट हैव वैल्यू इन इन्वर्टेड कॉमा, इन इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा, मीनिंग भूल जाता हूँ यार, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मस्ट हैव पोजिशन, पोजिशन टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट वो ये है कि रेंज जो है इसकी डिपेंड अपॉन कंपाइलर, कितना बड़ा एक नंबर को स्टोर कर सकता है, ये पूरी तरीके से कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, इट मे बी टर्बो सी भी हो सकता है, जीसीसी भी हो सकता है। ठीक है, समझ गया, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, रियल कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया, अभी तो केवल कॉन्स्टेंट हुए, अभी वेरिएबल के नंबर आने बाकी हैं, कीवर्ड लेकिन मान लो ज्यादा लंबा कोई वीडियो नहीं होने वाला, 10-5 मिनट और लगेंगे बस। ठीक है, पेशेंस लगा करो यार, कोई वीडियो तुम्हारे सामने भगी थोड़ी जा रही है, अगर अभी तुम्हें नहीं आया समझ, मान लो चलो इसका कोई पहले वाला पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, इस वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो, पीछे पीछे करो और देख लो, कुछ तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, होने लगता है यार,
यहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो आजादी मिलती है ना, वो यही है कि आप वापस से वीडियो को पीछे कर सकते हैं। ऑफलाइन जब लेक्चर में लेता हूँ ना, तो उसमें मेरे बच्चों को जो आज़ादी नहीं मिलती मेरे लिए, कि मैं उससे वही वर्ड वो रिपीट नहीं करा सकते जो मैंने 2 मिनट पहले बोले थे। ऑफलाइन क्लासेस मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जैसे मैंने 2 मिनट पहले कुछ पढ़ा दिया, अब वही चीज़ में अगर कोई मुझसे दोबारा पूछ रहा है, तो मैं उसी शब्दों को, उन्हीं शब्दों को तो नहीं बोल सकता भैया ये शब्द थे, उन्हीं शब्द को रिपीट कर दो, पर मैं उसको अपने तरीके से फिर से बताऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग है, मेरा शरीर है, मेरा जुबान है, लेकिन एक वीडियो है, मुझे वही शब्द बोलूंगा मैं जो मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाए थे। अगर मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया, पीछे करो, पीछे करने का पूछने का मतलब ही हुआ कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको पूछना है दोबारा से, पीछे कर लो, पूछ लिया, सवाल सॉल्यूशन हो गया फट तक। रेट्रोस्पेक्ट हो गया आपके, अपना वेरिएबल्स, 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 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, पहले तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ना। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर सबसे पहले वेरिएबल उसी डेटा को कंटेंट करेगा जिस टाइप का वो होगा। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप के डेटा को लेगा। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर टाइप के डाटा को लेगा। और अगर फ्लोट बनाया तो फ्लोट को लेगा, जैसा भी बनाओगे वैसा ही वो डेटा लेगा। दूसरा डेटा देने की कोशिश करोगे तो वो उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्जन बाद में देख लेंगे, इंटीजर टू फ्लोट होता है, फ्लोट टू इंटीजर होता है, क्या होता है कैसे होता है बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जिस टाइप का, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं नहीं, क्या वो साल है इंग्लिश में नहीं आते हैं। टाइप्स, द टाइप ऑफ डेटा, वेरिएबल कंटेंस, वेरिएबल कंटेंस ओनली दैट टाइप ऑफ डेटा, दैट टाइप ऑफ डेटा इन विच दे क्रिएटेड, इन विच दे क्रिएटेड, जिस डेटा टाइप में वो क्रिएट हुए हैं उसी टाइप का वो डेटा उसके अंदर ले सकते हैं। समझ गए, दिखाई तो दे रहा है ना, पता चले कि भैया सर समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया हमने, रामायण थोड़े लिखी है ना, चीता पे घोड़े लिखे हैं, कुछ अच्छा ही लिखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो गया। अब एक जो है, जो है वेरिएबल को अपन आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर भी इनको बोला जाता है, जो कॉन्स्टेंट है इनको अपन लिटरल भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिटरल, लिटरल्स, लिटरल्स भी इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट को, ठीक है। और जो आइडेंटिफायर है, या जो आइडेंटिफायर क्या होता है, पहचान पत्र होता है, पहचान पत्र बनाने के कुछ तरीके हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, क्या रूल है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या लिखते हैं, अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल, अरे यार मीनिंग में पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत आने लगती है, सारा समझाने में इतना सही आता है लेकिन दूसरे समझ गया ना, कॉम्बिनेशन अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल नहीं जानते तो भी समझाओगे, जाना ढंग से बस एक भूल लिखो पहले और उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा दिया मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ इट मस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इसको अगर आपने डिजिट के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करी, अल्फाबेट और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को ही बोल सकते हैं स्पेशल सिंबल, और तीसरा इसमें अगर आपको बोलना हो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो सीधी लिख रहा हूं ये वाला पॉइंट, दो ओनली अंडरस्कोर अलाउड, ओनली अंडरस्कोर अलाउड टू स्टार्ट ए वेरिएबल, राइटिंग बेकार है ना, कोई बात नहीं मैनेज कर लेगा थोड़ा,
केवल अंडरस्कोर ही अलाउड होता है वेरिएबल को, नो अदर वेरिएबल, नो अदर स्पेशल सिंबल। दूसरा कोई अगर आपने यूज करने की कोशिश करी, ए एरर आपको ठोक देगा, ठीक है, बोल देगा, मतलब बता देगा। तो हो गया, तीन हो गए, और कोई बचा क्या? बचा है चौथा, एक और बचा है। अब यहाँ मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद ये चौथा थोड़ा समझाता हूँ। क्या हुआ है कि जैसे अपने इंटीरियर डेट का डेटा दिया, तो अपने ए कर दे सकते हैं, इंटर स्कोर ए कर सकते हैं, लेकिन वन अंडर स्कोर ए करेंगे तो ये एरर अपने आपको दे देगा, ये अपने को एरर दे देगा, इस बात की आप लिखवा के। तो इसके बाद इतना तो हो गया अपना कि अपन इस तरीके से अपन करेंगे तो ये एरर फेंक देगा, मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट था। हाँ, ये वाले का अपन ने हो गया कि डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आपने डिजिट से स्टार्ट करने की कोशिश करी तो ये आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। अभी और क्या करना था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल, ये आपने देख ही लिया, ए अंडर स्कोर ए वैलिड है, मतलब ऐसे इंट अंडर स्कोर ए लिख देंगे तो स्पेशल सिंबल भी आ गया। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये वैलिड है, ऐसा लिखा वन अंडर स्कोर ए तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लेना कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपने डिजिट लगा दिया तो वो एरर दे देगा, और आपने अंडर स्कोर ए के बाद वन लगाया है तो वो एरर नहीं देगा, तो इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है। अब तो बोलिए, ये चौथा पॉइंट था, कॉमन पॉइंट है सबके अंदर जो मैंने पहले बताया था, नो कॉमा लिखने की जरूरत है क्या मुझे? ब्लैंक अलाउड इन वेरिएबल्स, अगर लिखने की जरूरत है भी तो लिख देते भैया, लोगों को कहां समझना। अगर आप इंदौर अहू या पीतमपुर से हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, बस कांटेक्ट कर लेना, बता दूंगा कैसे क्या कहाँ पे आना है, ठीक है। लिख लिया ना वेरिएबल्स और क्रिएटिंग और रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, थोड़ा इनको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा 100%, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज है। देखो वेरिएबल क्या होते हैं, किसी डेटा टाइप के होते हैं, इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और लॉन्ग पता नहीं फिर तो चार एक दो बार होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, चलो मान के चलो, ठीक। स्ट्रिंग भी आता है अरे मोशन कैरेक्टर में ही नहीं आता, नहीं सब लोग फॉर्चुनेट कर जाते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो उस तरीके से नहीं होता, सी लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का जैसे इंट है तो ऐसा नहीं केवल वन डिफाइन कर दोगे तो वो ए गलत है, इसमें एरर आएगी। अगर आपने इंट ए की कर दिया ये सही है, नो एरर, इसको कोई एरर नहीं आएगी। आपने अंडर स्कोर से शुरू कर दिया इंट अंडर स्कोर ए, ठीक है, सही है, नो एरर। आपने अगर इंट वन अंडर स्कोर ए कर दिया एरर आएगी, क्या आएगी? एरर आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप पहले समझो कि डिजिट तो अलाउ उसके अंदर है ही नहीं, अगर आपने पहले नंबर पे डिजिट लगा दिया तो एरर आएगी, लेकिन क्या डिजिट ही अलाउ नहीं है? ए टू करो एरर नहीं आएगी, नो एरर, सही है, बोलो नो एरर, पहले नहीं लगाना, अगर आपने डिजिट पहले लगा दिया तो एरर आनी ही आनी है, कंटिन्यूस क्या बोलते हैं कंपल्सरी बात है, ठीक है। वेरिएबल हो गए कुछ समझ में नहीं आया वो तो फिर से कमेंट, हाँ मैं बोल रहा हूँ तुरंत आ गया, जैसे बोलने का तरीका होता ना ऑफलाइन क्लासेस में, यहाँ पे लिखने का तरीका होता है, कमेंट में लिख दो पट से बात आ तुम्हारी मान ली जाएगी, और मेरे जैसा टीचर हो फिर तो मान ही लेता है तुरंत, क्या हो गया, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि अभी तक सही कुछ दिख रहा होगा, मेरा थोड़ा बहुत पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से हाथ लग गया था तो वो थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। कीवर्ड अपन देख लेते हैं अभी, कीवर्ड क्या होता है,
कीवर्ड, कीवर्ड जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं। पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बीच में मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं कि करके ही मत जाना, करके तो चले जाना भैया। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ कीवर्ड, कीवर्ड जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग पहले से ही कंपाइलर के अंदर डिफाइन कर दी गई है। अब आप इन कीवर्ड अगर आप, और कीवर्ड के अलावा मतलब जो कीवर्ड है 32 कीवर्ड होते हैं, कौन कितने कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इन 32 कीवर्ड के अंदर जैसे कौन कौन सा आ गया, ऑटो आ गया, ब्रेक आ गया, डिफॉल्ट आ गया, केस आ गया, स्विच आ गया, और भी तमाम आते हैं, कभी बताएंगे हम पूरे एक एक डिटेल में सारे लिख देंगे उसके बाद, क्योंकि अभी लिखने जाऊंगा ना तभी टाइम पर समझाना पड़ेगा, तभी कीवर्ड को समझेंगे अकेले कीवर्ड से 32 कीवर्ड ऐसे लिखेंगे, कौन टाइटल भी उसके ऐसे लिखेंगे 32 कीवर्ड इन डिटेल, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं, 32 कीवर्ड उसके अंदर होते हैं। अब इनका जो मीनिंग है कंपाइलर के अंदर पहले से कोई डिफाइन है, जैसे जैसे तुम्हारे तुम्हारा जो नाम है वो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी डिफाइन है, भैया इस बंदे को, तुम जैसे दो भाई हो, एक बंदे का नाम दूसरा है, एक बंदे का नाम दूसरा है, तुम दोनों भाइयों का, तो मम्मी इसको बुलाने के लिए दूसरा नाम यूज करती है, इसको बुलाने के लिए दूसरा नाम यूज करती है, तो क्योंकि मम्मी के दिमाग के अंदर इसको बुलाने के लिए अलग मीनिंग डिफाइन है, इसको बुलाने के लिए अलग मीनिंग डिफाइन है, समझ गया ना, नहीं समझे ना, फिर भी समझ जाओगे यार, समझ लो। जैसे मेरा नाम सागर, मेरा नाम आनंद, सॉरी किसी और का नाम आनंद, मेरा नाम सागर, इसको बुलाना होगा तो आनंद ही बुलाएंगे, इसको बुलाना होगा सागर ही बुलाएंगे। अब इसको अगर जिसको बुलाना है तो उसके दिमाग के अंदर एक इसकी मीनिंग डिफाइन होनी चाहिए कि आनंद इस बंदे का नाम है तो मैं उसको बुलाता हूँ। टीचर लोग अपने को बुलाते कैसे, उनके मालूम होता है कि इस जो चेहरा हमको दिख रहा है इस चेहरे का नाम जो है वो ए है, आनंद हो गया, सागर हो गया, राहुल हो गया, मीना हो गया, सीना हो गया, जो भी हो गया नाम, ठीक है। तो जैसे ही कीवर्ड की मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइन है कि 32 कीवर्ड की मीनिंग डिफाइन है, अब इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो जरूरी है। जो कीवर्ड है उनको आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड दो 32 कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्रोग्रामिंग, यू कांट यूज देम एज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इन 32 कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज करने की कोशिश करी ना, एरर क्या आएगी, एरर, साला एरर बहुत आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब सॉल्व करने के लिए ही अपन आए हैं। कांट यूज देम एज अ वेरिएबल, सबसे मेन चीज तो इसका मेरे को यही समझ में आता है, और बाकी जो है कि आपके जो ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, सबके कीवर्ड की फंक्शनैलिटी होती है कि इसको इस कीवर्ड लगाने से ये चीज़ हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर, इस कीवर्ड लगाने से ये चीज़ हो जाएगी, ये भी अपना एल्स भी होगा, स्विच भी हो गया, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, तो ये सारे कीवर्ड हैं जो डिफाइंड है पहले से प्रोग्रामिंग के अंदर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आपको कीवर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ क्या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बता देना, तब तक के लिए क्या बताएं, कुछ रह गया क्या, नहीं मुझे तो नहीं लगता। अभी इसका जो मेन पॉइंट था मुझे मेरे हिसाब से यही था कि आप उसको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल की तरह, वो लेकिन प्री डिफाइंड मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। इनको अगर और कुछ अगर पढ़ना है डेटा टाइप, अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पहला प्रोग्राम देखेंगे सी प्रोग्राम, और उसके अलावा प्रिंट एफ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट एफ क्या होता है, कैसे काम करता है, और ठीक है अगले वीडियो में ये सब देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में भैया कुछ तो वैल्यूएबल बोला करो, कुछ तो मतलब का बोल दिया करो जो तुम्हारे काम का हो, जो तुम्हें आता हो या तुम्हें सीखना हो। मैंने जब बोल दिया कि जावास्क्रिप्ट आएगी तो आएगी, नोड जीएस आएगी तो आएगी, एक्सप्रेस जीएस आएगी तो आएगी, बहुत ही अच्छे लेवल पर आएगी, एडवांस इस चैनल का कॉन्सेप्ट ही है एडवांस लेवल पर लेके जाना। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि यूट्यूब में एडजस्ट नहीं करती, डाल दो अपना क्वेश्चन तो डालो यार, मैं भी तो रिसर्च करने का मौका मिले, मैं भी तो मालूम पड़ेगा शायद ऐसा कोई चीज़ हो जो मुझे नहीं आता। अभी मुझे एक बंदे का मैसेज आया पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैसेज आया क्योंकि मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा, तो उसने बोला कि आप नोड जेएस का पता नहीं
कुछ तो उसने बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने नोड जेएस का मैंने लिख लिया था, उसने कुछ बोला था ऐसा कि नोड जेएस का ये सारी चीज़ें बता देना, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा ना, क्या बोलते बेसिक, उसके बाद बताऊंगा। दूसरों को भी समझ में आना चाहिए, आपको वीडियो बना के अलग से भेज दूंगा फिर मैं, ठीक है ठीक है। पर भेज देना क्वेश्चन अपना, कमेंट में क्वेश्चन जरूर भेजना, भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय।